हमने वर्ल्ड फोरम के सामने अपने देश की, अपने हरियाणा की बात की है। हमने कहा है कि इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से हरियाणा पैराडाइज है। यहाँ पर बहुत स्कोप है इन्वेस्टमेंट करने का। केएमपी जो 135 किलोमीटर लंबी है, उसके दोनों तरफ दो दो किलोमीटर का हमने कॉरिडोर बनाया है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। और भी प्रदेश में हमने लाल फीताशाही को ख़त्म किया है, हमने सिस्टम में परिवर्तन किया है। आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने हैं। अधिकतर जो योजनाएं हैं उनका हमने डिजिटलाइजेशन किया है और सरकार की तरफ से पूरी तरह से सबको सहयोग मिलेगा। लोगों ने हमारी बात को बहुत पॉजिटिवली लिया है और हमारे पास बहुत इंक्वायरियां आई हैं। नेचुरली एकदम तो कोई डिसीजन नहीं होता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। कौन सी लूट हो रही है? सुरजेवाला जी को हर वक्त नेगेटिविटी नज़र आती है। सबसे ज़्यादा तरक्की देश नरेंद्र मोदी के राज में कर रहा है। कोरोना की भयंकर तीन लहरों के बावजूद आज देश की इकोनॉमी में सुधार है। उनको किस बात की लूट नजर आती है? चंडीगढ़ तो यूटी है, यूटी में तो केंद्र के ही रूल लागू होते हैं। पंजाब का तो उसके ऊपर कोई हक नहीं है अभी तक, तो पंजाब को तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है।